सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन का पार्ट टू जो रह गया है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एकोस्की जीव में पोषण के बारे में। ठीक है, और स्व पोषण के बारे में बात करते हैं, पेड़ पौधे में पोषण के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, और आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव में पोषण। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है और किन किन विधियों के माध्यम से होता है। ठीक है, देखिए पहला बात हम लोग कर रहे हैं बहुकोशिकीय जीव, मतलब बहुकोशिकीय जीव एक्चुअली बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं हम लोग, कि जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, उसका उसका मतलब पार्टिकुलर अंग होते हैं हर कार्य को संपादित करने के लिए। ठीक है, कहते हैं बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं आपको। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं, जैसे मानव में। ठीक है, मानव में क्या है आपको, मानव में करा कि मनुष्य में पोषण किस किन किन चरणों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले बात किया था कि मनुष्य में जो पोषण है, पोषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख्य गुहा से ही। ठीक है, मुख्य गुहा से ही पोषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद कहां पहुंचता है आपको, उसके बाद पहुंचता है छिद्र अमाशय में। ठीक है, अमाशय में स्टोर होता है, ठीक, स्टोमक, फिर उसके बाद छिद्रांश छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बृहदांत में बड़ी आंत में पहुंचता है आपको यहां पर। ठीक है, ये चार चरण आपको पूर्ण होता है। पहले आपको कहा जाएगा मुख्य गुहा में, मुख्य गुहा में ही पाचन प्रारंभ होता है, जैसे कि च्यूइंग वगैरह होता है वहां पर। ठीक है, वहां पर लार ग्रंथियों से लार वगैरह आता है और वहां से फिर आपको, तो मुख्य गुहा से ही पाचन प्रारंभ होती है। उसके बाद आपको जाता है अमाशय में, अमाशय में स्टोर होता है, फिर उसमें आपको लिक्विड्स हार्मोन जो लिक्विड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो गया, ठीक है, पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया, वो सब पहुंचता है उसमें और वहाँ से पाचन होता है फिर। ठीक है, फिर उसमें पहुंचता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जब पहुंचता है तो आंत रस भी उसमें स्रावित होता है फिर। ठीक है, पित्ताशय से मिलता है, अग्नाशय से मिलता है रस और वहाँ पर आपको पाचन क्रिया होती है। उसके बाद आपको पहुंचता है बृहदांत में, जहाँ पर वाटर का अवशोषण होता है, अब्सॉर्प्शन की क्रिया होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब बारी-बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य गुहा। ठीक है, कह रहा है कि भोजन को मुख्य गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार या लालस भोजन में पेशीय जीवा द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में कर्माकुंचन गति द्वारा गमन करता है। ठीक है, क्या बोला गया आपको, कि जो मुख्य गुहा में भोजन को पहले दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और लार ग्रंथियों से आने वाली लार से, ठीक है, ललास रस से वो क्या कहता है, उसको में अच्छी तरह से मिलाने का, जो जीवा होता है, ठीक है, जीवा होता है उसको अच्छे से मिलाने काम करता है और फिर मिलाने के बाद उसको ओसोफेगस की ओर भेजता है, जिसमें कर्माकुंचन क्रिया होती है उसमें। ठीक है, देखिए लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन कहते हैं। ठीक है, लार में क्या होता है, लार एमिलेस होता है, ठीक है, या टाइलिन हम लोग जिसे कहेंगे, इसको केवल इसको टाइलिस कहते हैं। ठीक है, यह मंड को शर्करा में खंडित करता है। ठीक है, मंड यहाँ पर मंड क्या है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को शर्करा में आपको तोड़ने का काम करता है, खंडित करने का काम करता है। कौन, जो एंजाइम है आपको टाइलिन है, टाइलिन जो है वो आपको स्टार्च को शर्करा में खंडित करने का, तोड़ने का, विखंडित करने का कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य की मुख्य गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी, मनुष्य के मुख्य गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, पहला आपको है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, ये तीन होता है, सब मैडिबुलर लार ग्रंथि और सब लैंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, ये आपको तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है मनुष्य के मुख्य गुहा में, जिससे लार निकलता है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और वो आपको क्या करता है, मंड को, स्टार्च को आपको शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला बात करें हम लोग अमाशय। अमाशय क्या, ठीक है, कह रहा कि मुंह से अमाशय तक भोजन की ग्रसिका या ओसोफेगस द्वारा कर्माकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ओसोफेगस के द्वारा वो पहुंचता है आपको। ठीक है, अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। ठीक है, जो पेशीय होती है वो पाचक रसों में मिश्रित करने की कोशिश करती है। ठीक है, अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन का अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सेलेस्मा का स्राव करती है। ठीक है, जैसे कि जो आपका
जठर रस होता है, इसमें तीन प्रकार के रस मिलते हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे आपको, पेप्सिन मिलेंगे और म्यूकस मिलेगा, ठीक है, म्यूकस मिलेगा आपको, जिसमें सेलेस्मा कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इनका बारी बारी से अलग अलग काम होता है, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है, सक्रिय करने का कार्य करता है। और म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस जो होते हैं वो जो वॉल होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट जो अमाशय का, ठीक है, अस्टमिक का जो वॉल होता है, उस वॉल पर ये लग जाता है, जिससे कि वो हाइड्रोक्लोरिक के इफेक्ट को कम करने का काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए, जो अस्टमिक होता है ये लगभग जी आकार का होता है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर अस्टमिक है, से मुख गुहा में भोजन प्रवेश किया, वो ओसोफेगस के माध्यम से कर्मकुंचन गति से पहुंचता है, ये है आपका अमाशय है, ठीक है, अस्टमिक है, यहाँ पर आपको भोजन स्टोर होता है, जी आकार का लगभग होता है ये, इसमें स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या आपको लेवर होता है यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे ये पैंक्रियाज होता है, ठीक है, और इसके नीचे हम लोग क्या मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है, ठीक है, ये हो जाएगा। जठर रस या पाचक एंजाइम के कार्य, अब हम लोग बारी बारी से इसके कार्य भी समझेंगे क्या है। सबसे पहले बात करें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है, क्या कर रहा है, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो जो एक्सीएल है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, साथ ही एक्सीएल जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, जो भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। तो एक्सीएल का और भी काम क्या हो गया, कि जो बैक्टीरिया आता है भोजन के साथ है हमारे स्टमक में, उसको नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। अब बात करें पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम का कार्य, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेलेस्मा, म्यूकस क्या है, तो म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है, ठीक है। जो आपको म्यूकस है ये सेलेस्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये जठर ग्रंथि को, ठीक है, और जो आपको जो अमाशय की दीवार है उसमें चिपक करके उसको क्रोजन से रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और देखेंगे हम लोग नोट्स यहाँ पर दे रहे आपको, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, ठीक है, लगभग कितना, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम ना गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा होता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब बात करेंगे छोटी आंत के बारे में, ठीक है, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। देखिए अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है या अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित तो होता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है, ठीक है। मतलब कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। उससे पहले आपको हल्का फुल्का जो मीडियम्स है, मीडियम्स एक्टिवेट करता है, वहाँ पर कुछ पाचन होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन जो होता है आपको वो छोटी आंत में होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आदि का भी पाचन होता है इसमें, ठीक है। करें कि यहाँ अमाशय में आने वाले भोजन अम्लीय होती है, जिसको अग्नाशी एंजाइम के क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम या कृत से स्रावित पित्त रस द्वारा किया जाता है। अब जिसे हम लोग जानते हैं कि जो अस्टमिक होता है, अस्टमिक मतलब कि अमाशय, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने के कारण वो क्या होता है, उसका जो माध्यम होता है अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अब उस माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में ही डाइजेशन संपूर्ण हो पाती है, तो उसके लिए जो पित्ताशय होता है, ठीक है, वहां से पित्त रस स्रावित होता है और आकर के ये छोटी आंत में उपस्थित भोजन के साथ मिल जाता है, और ठीक है, और उसे क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन वसा आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है, मतलब वसा के ऊपर एंजाइम का कोई कार्य, मतलब एंजाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है वसा के ऊपर, ठीक है। एंजाइम के क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटे गोलियों में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। एंजाइम की क्रियाशीलता, जितनी अधिक उसकी सरफेस होगी, जितनी अधिक उसकी क्षेत्र होगी, उतनी अधिक उसकी क्रियाशीलता होती है एंजाइम का, ठीक है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का, वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने की जो क्रिया होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे समझेंगे हम लोग अग्नाशय रस के कार्य, देखिए अग्नाशय है ना, अग्नाशय अग्नाशय रस का श्रवण करता है, जो पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस निकलता है, ठीक है, अग्नाशय रस निकलता है, जिससे प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम या इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज, ठीक है, एंजाइम होता है। पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या मिलता है आपको, पैंक्रेटिक जूस में मिलते हैं ट्रिप्सिन, और आपको क्या मिला, लाइपेज मिला, ठीक है, ट्रिप्सिन मिला और लाइपेज मिला। जो ट्रिप्सिन है
वो किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेस है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करने का कार्य करता है। ठीक है, कहते आंत रस के कार्य, क्षुद्रांत ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्रावित होती है जिसमें उपस्थित एंजाइम आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल हाइड्रो है ना कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, क्या बोला आपको बाबू, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है, जो आपको आंतरस होते हैं वो प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। आपको कौन, आंतरस। ठीक है, हम बात करेंगे क्षुद्रांत के छोटी आंत की संरचना के बारे में। छोटी आंत आप देखेंगे नलिनुमा जैसा स्ट्रक्चर होती है, जिसमें दिखाते हैं आपको यहां पर, ये आपको ये छोटी आंत के स्ट्रक्चर होती है। ठीक, ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लंबाई आपको लगभग 6 से 8 मीटर की लंबाई होती है। ठीक है, तो छोटी आंत तो आपको लंबाई उसकी ज्यादा होती है लेकिन उसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, डायमीटर जो होता है इसका कम होता है लेकिन इसकी लंबाई जो होती है बड़ी आंत के तुलना में ज्यादा होता है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत की जो तुलना की जाती है उसके व्यास के आधार पर की जाती है। छोटी आंत का व्यास छोटा होता है, बड़ी आंत का व्यास जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे हम लोग को ये बड़ा है ना, ये बड़ी आंत होता है। ठीक है, करा पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम कहते हैं, विलाई कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। ठीक है, यह अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। उसमें बहुत सारी अधिक छोटी आंतें, बहुत सारी अधिक फिंगर जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इस फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होने से कारण क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर प्लेन सतह रहता है तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो उसके फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण उसका क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण की क्रिया क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो छोटी आंत में आपको छोटी आंत में पूर्णतः पाचन भी होता है और भोज्य पदार्थ का जो होता है उसमें अवशोषण भी होता है। ठीक है, इसमें पाचन और अवशोषण की क्रिया आपको पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में ही। हाँ, कुछ जल की मात्रा जो हो जाती है वो बड़ी आंत में आपको अवशोषित होती है। देखिए यहाँ पर दिग्रुम रुधिर वाहिकाओं की जाल होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। ठीक है, जिसको भोजन को ग्रहण किया, न्यूट्रिशन को ग्रहण किया, उसमें क्या होता है आपको कि उसमें क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, नए उत्तक का निर्माण होता है और पुराने जो उत्तक होते हैं उसका मरम्मत करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत इसका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। बड़ी आंत आपको व्यास के आधार पर ही ज्यादा होता है बड़ी आंत। ठीक है, इसमें देखिएगा आप क्या कर आप लोग कि बिना पचा भोजन बृहदान्त में भेजा जाता है। ठीक है, जहां अधिक संख्या में आपको दिग्रम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, अब जो अपचित भोजन हो जाता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है वो छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में ट्रांसफर कर जाती है। और उसमें क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, जो वाटर होते हैं उसके साथ उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अन्य पदार्थ गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का वैक्षेपण गुर्दा अवरोधन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके मल द्वार के द्वारा इसको बाहर फिर निकाल दिया जाता है यहाँ से। मनुष्य में दांत के प्रकार, ठीक है, दांत भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं क्योंकि अगर दांत नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को काटना, चबाना, फाड़ना ये सब क्रिया बाधित हो जाएगी। ठीक है, सही से संचालित नहीं हो पाएगी। इसलिए मनुष्य में या प्रत्येक प्राणियों जो कि आपको डेवलप प्राणी होते हैं उसमें जो आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं उसके लिए आपको क्या करता होता पड़ता है, उसके लिए आपको दांत की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर मनुष्य में दांत के बारे में चर्चा करा लोगों को करा है कि एक वयस्क मनुष्य में के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। ठीक है, इस तरह आप काउंट कीजिएगा तो 32 दांत आपको होते हैं ऊपर नीचे मिलाकर के। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं जिन्हें 4 प्रकार में बांट दिया गया, 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इन्हें 4 भागों में बांट दिया गया है, कतरनक, इंसाइजर। ठीक है, कतरनक, इंसाइजर। ठीक है, ये कतरनक जो है इंसाइजर है, इसका मेन काम क्या होता है, काटने का काम होता है। ठीक है, किसी चीज को काटने का काम करता है, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, ये 4 जोड़ी होते हैं, आपको किसी वस्तु को काटने का काम जो करता है वो कतरनक का काम होता है। ठीक है, भेदक, कैनाइन, कैनाइन। देखिए ये 2 जोड़ी, इधर से 1 जोड़ी होता है आपको और इधर से 1 जोड़ी होता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये
आपको दो जोड़ी होते हैं, ठीक है, भेदक। ये किसी चीज को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में जो आपको कैनाइन होते हैं वो लंबा लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में एक कैनाइन क्या होता है, आपको बराबर होता है। जंतुओं को शाकाहारी और मांसाहारी कैनाइन के लंबाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो मांसाहारी जीव होता है उसका कैनाइन की लंबाई ज्यादा होता है, और जो शाकाहारी जीव होता है उसका कैनाइन का लंबाई बहुत कम होता है, लगभग बाकी तीथ के बराबर ही होता है कैनाइन की लंबाई, ठीक है। चलिए, अग्रचर्वणक, प्रीमोलर और चर्वणक। ये अग्रचर्वणक और चर्वणक का कार्य क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ को पीसने का काम करता है, चबाने का काम करता है इसके द्वारा, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहां से। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि दांत की जो सबसे ऊपरी पोर्शन होती है, ये दांत की सबसे ऊपरी भाग जो होती है, ये इनामेल से बना होता है, जो कि सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। किससे बना होता है, इनामेल से बना होता है, और इनामेल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपरी पोर्शन जो होती है दांत का, वो इनामेल का बना होता है, याद रखिएगा इसको आप लोग। हम लोग बात करेंगे दंत क्षरण, ठीक है। देखिए, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार द्वारा शर्करा में होता है, जिस पर जीवाणु क्रिया करके अम्ल बदलते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो आपको जो जीवाणु भाग लेते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल को, ठीक है, अम्ल को निर्माण कर देते हैं उसमें, आपको कार्बोहाइड्रेट के पाचन द्वारा उसमें अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे इनामेल का मृदुकरण होता है, ठीक है। उसके इनामेल का मृदुकरण होता है, क्षय होने लगता है। अनेक जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दांत प्लक, ठीक है, बनाता है, जो दांत को ढक लेता है, ऊपर से कवरअप करने का काम करता है ये, ठीक है, एक लेयर वाइज ऊपर से आपको कवर कर देता है। इसे ब्रश द्वारा नहीं हटाया गया तो वे मजा में पहुंचकर जलन पैदा करता है, इस प्रकार दंत क्षरण शुरू हो जाता है। जब उस लेयर को, उस परत को दांत के ऊपर से जब नहीं हटाई जाती है तो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, क्रोधन होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, और कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और कैविटी के बाद फिर वो क्या करता है, जो अस्थि मज्जा होता है उस तक पहुंच जाता है, तो जिससे क्या होता है, आपको झंझनाहट सबसे बाहर जैसी महसूस होती है, ठीक है। तो क्रोधन से बचाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस ब्रश करनी चाहिए, या आप इसमें अधिक मात्रा में नीम का दातुन उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आपको क्षारीय माध्यम को होता है और वो अम्लीय को माध्यम को हटाने का काम करता है। जो जिह्वा भी होता है, वो जिह्वा भी जो मुंह की जो अम्लीयता है उसको हटाने का भी काम करता है, ठीक है। तो फिर मिलेगा हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।